बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व नवागढ़ जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रितेश शर्मा को सोशल मीडिया पर टिप्पणी किए जाने की बात को लेकर नोटिस देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे के समर्थक जनपद पंचायत नवागढ़ के उपाध्यक्ष रितेश शर्मा को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल ने सोशल मीडिया पर परिवारवाद सहित अन्य टिप्पणी किए जाने से नाराज होकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व संसदीय सचिव के बीच तनातनी की स्थिति बन गई है। वहीं जिला कमेटी के अध्यक्ष पटेल ने कहा कि उन्हें नोटिस जारी किया गया है और नियत तिथि पर उन्हें जवाब देने को भी कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद रितेश शर्मा ने कहा कि वह उनका विधिवत जवाब देंगे। वहीं मामले को लेकर नवागढ़ विधानसभा में कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। मुझे अभी पिछले दो दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष बंसी पटेल जी का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया का जिक्र किया है कि ये विषय बताया गया है कि अभद्रतापूर्ण कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ आपने फेसबुक में लिखा है, जबकि मैंने ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि कोई मैं खुद कांग्रेस का जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ और शुरू से संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो इतनी समझ तो है कि मैं पार्टी की रीति नीति को और नहीं ज़्यादा नहीं तो 50% तो समझता हूँ। उसमें लिखा हूँ कि मैं क्षेत्रवाद और परिवारवाद को बेमेतरा जिला के युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखा था, विपक्ष के लोगों के जो हमारे नवागढ़ क्षेत्र के जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने क्षेत्रवाद और परिवारवाद को बहुत सजगता बहुत कर्मठता से उस चीज़ को रख रहे हर जगह और उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उस कारण मैंने उस पोस्ट को क्या नोटिस का जवाब तत्काल दे। हाँ मैं दूंगा, समय अब जब आया है विधिवत तो उसको जवाब तो अपने हिसाब से दूंगा। जनपद के उपाध्यक्ष माननीय रितेश शर्मा द्वारा फेसबुक में एक टिप्पणी किया गया है, जिसमें उन्होंने जो भाषा बीजेपी के लोग उपयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस में वंशवाद परिवारवाद और किसी ऐसा इस टाइप का टिप्पणी करते करते उन लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें हमारे जो कांग्रेस के अगर ये हमारे उपाध्यक्ष हैं तो उनको कांग्रेस को भी इस टाइप की टिप्पणी उनको नहीं करना था, ये हमारे कांग्रेस के खिलाफ और विपरीत होता है, इस कारण उनको नोटिस दिया गया।